हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं सभी? आई होप यू ऑल गुड एंड फाइन। देखिए स्टूडेंट, अपना ये जो औद्योगिक महत्व के जो अल्कोहल हैं, उनमें हमने प्रथम का अध्ययन कर लिया था, जिसमें प्रथम था मेथनॉल। अब जो द्वितीय टॉपिक है वो है एथेनॉल का। किसका है? एथेनॉल का। कि हम एथेनॉल का जो थोड़ा सा हाँ अब किधर आ, कि जो एथेनॉल का जो प्रिपरेशन करेंगे वो कैसे करेंगे, एथेनॉल क्या होता है क्या नहीं होता है, और एथेनॉल से हम अल्कोहल कैसे बनाएंगे, इन सभी विधियों का अध्ययन करेंगे। देखिए बेटा, एथेनॉल जो होता है यह मदिरा का मुख्य भाग होता है। मदिरा का नाम सुना होगा आपने, जिसको दारू बोल देते हैं, उसका यह मेन कंपोनेंट होता है, मुख्य भाग होता है। और उसका जो रासायनिक सूत्र होता है एथेनॉल का, वो होता है C2H5OH। और स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन से बनता है। स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन से बनता है। स्टार्च किसमें पाई जाती है? स्टार्च सबसे ज्यादा अनाज वाले पदार्थ में पाई जाती है, ठीक है। अर्थात यह है अनअल्कोहल भी है, अनअल्कोहल अर्थात ये अन से प्राप्त होते होने वाली। देखिए बेटा कि किण्वन प्रक्रिया क्या है। हमने लिखवाया कि स्टार्च युक्त खाद्य पदार्थों के किण्वन से बनाते हैं। किसको बनाते हैं? एथेनॉल को। तो अब ये ध्यान देने की बात है कि किण्वन क्या है, जो किण्वन प्रक्रिया है ना वह क्या है। देखो आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा कि जो किण्वन प्रक्रिया है वह जटिल कार्बनिक यौगिक होकर एंजाइम की सहायता से, किसकी सहायता से बेटा? एंजाइम की सहायता से सरल कार्बनिक अणुओं में अपघटन, कि हम एंजाइम ले लें और उसकी सहायता से जो बड़े कार्बनिक यौगिक हैं उनको छोटे अणुओं में तोड़ना, क्या कहलाती है? किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? किण्वन। आइए आगे, जो एथेनॉल का जो औद्योगिक उत्पादन करेंगे, एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन, तो एथेनॉल का औद्योगिक उत्पादन कैसे करेंगे? देखो बेटा, सबसे पहले हमें एथेनॉल का उत्पादन कैसे करेंगे औद्योगिक स्तर पे, दो तरीके से करेंगे। एक तो शीरे से एथेनॉल और दूसरा स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल बनाना। औद्योगिक मेथनॉल के अल्कोहल में हमने मेथनॉल पढ़ लिया, इनकी अल्कोहल औद्योगिक में होता है। और औद्योगिक मेथनॉल के अल्कोहल में दूसरा जो हम पढ़ रहे हैं वो एथेनॉल पढ़ रहे हैं। तो एथेनॉल का जो औद्योगिक उत्पादन होता है बेटा वो कैसे होता है देखेंगे, कि सीधे से एथेनॉल बनाना और स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल बनाना। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम बेटा सीधे से एथेनॉल बनाना। तो आपको ये जानना बहुत आवश्यक है कि शीरा क्या होती है, ठीक है बेटा, कि शीरा क्या होती है। शीरा गन्ना या चुकंदर के रस, गन्ना या चुकंदर के रस से, गन्ना हो या चुकंदर हो उनके रस से हम क्या अलग कर दें? शर्करा अलग कर दें। क्या अलग कर दें बेटा? शर्करा अलग करने के बाद बचा लाल भूरा काटा द्रव, शर्करा को हम क्या कर दें? अलग कर दें, वो क्या कहलाता है? शीरा कहलाता है। अर्थात शीरा किस किस का मिश्रण होता है? ग्लूकोज फ्रक्टोज शर्करा का क्या होता है? ये मिश्रण होता है। ओके बेटा, अच्छा। अब शीरा से ग्लूकोज प्राप्त करने के निम्न चरण हैं। शीरा से ग्लूकोज प्राप्त करने के निम्न चरण कौन कौन से हैं? पहला है तनुकरण। पहला क्या है बेटा? तनुकरण। देखो ध्यान से देखो, तनु का मतलब आप सभी जानते हैं कि किसी भी विलयन को क्या करें? तनु करें, अर्थात ज्यादा से ज्यादा उसमें हमें विलायक की मात्रा कर दें, ज्यादा से ज्यादा विलायक की मात्रा कर दें तो क्या हो जाएगा? तनु हो जाएगा।
देखिए बेटा यहाँ पर शीरा में 5 गुना पानी मिलाए, कितना गुना पानी मिलाए, 5 गुना पानी मिलाकर क्या किया हमने, तनु कर लिया। जितनी मात्रा में शीरा है उतनी उसकी मात्रा की 5 गुना ले लो, अगर 1 लीटर शीरा है तो 5 लीटर पानी ले लो, उसमें उसको मिला दो। तनु विलयन में अब दूसरा स्टेप क्या है, तनु विलयन में H2SO4 मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं बेटा, H2SO4 मिलाते हैं, और जो हम H2SO4 मिलाते हैं तो ये क्या होता है, तनु विलयन में क्या मिलाते हैं, H2SO4। जैसा आप सभी जानते हैं कि जो H2SO4 है वह अम्लीय प्रकृति का होता है। कैसे प्रकृति का होता है बेटा, अम्लीय प्रकृति का होता है, और अम्लीय प्रकृति का होने के कारण यह क्या करता है कि जो हमने जो विलयन है उसमें बैक्टीरिया को व्युत्पन्न होने से रोकता है। अम्ल मिलाया, अम्ल क्यों मिलाया, अम्लीय प्रकृति का है अम्ल तो क्या करेगा, बैक्टीरिया को उत्पन्न होने से रोकेगा, जीवाणुओं को उत्पन्न होने से रोकेगा, और अल्प मात्रा में क्या मिलाए, अमोनियम फॉस्फेट मिलाए। अल्प मात्रा में क्या मिलाए बेटा, अमोनियम फॉस्फेट मिलाएंगे। अमोनियम फॉस्फेट क्यों मिलाएंगे, ताकि जो यीस्ट है, जो क्या है यीस्ट, यीस्ट के लिए क्या करेगा ये अमोनियम फॉस्फेट, भोजन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा बेटा, भोजन का कार्य करेगा, और जो भोजन का कार्य करेगा तो जो यीस्ट जो होते हैं खमीर बोलते हैं, खमीर का मतलब यानी कि जो खमीर उठाया जाता है ब्रेड में, डबल रोटी में, या फिर आपने देखा होगा कि जो घर में हम या फंक्शन शादी ब्याह में हम देखा होगा जलेबी बनाते हैं, तो वो मैदा को एक पर क्या करते हैं किसी बड़े बर्तन में भिगो के रख देते हैं, जिससे वो मैदा फूल जाती है। फूलने से क्या होता है, उनमें खमीर का निर्माण हो जाता है, और फिर वो क्या बन जाती है, उनसे जलेबी बनाने में आसानी होती है। तो इस प्रकार से वो यीस्ट के लिए क्या करेगा, भोजन का कार्य करेगा। किसका कार्य करेगा बेटा, भोजन का कार्य करेगा। ओके, इस चीज का आप स्क्रीन शॉट ले लो जल्दी से जल्दी, आप इसका स्क्रीन शॉट लो जल्दी से जल्दी, ताकि हम फिर अगले स्टेप की ओर बढ़ें। आप इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा जल्दी से जल्दी, क्यों, ताकि हम अगले स्टेप की ओर कदम बढ़ाएं। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, खमीर मिलाएंगे। जो विलयन है उसमें क्या मिलाएंगे, खमीर मिलाएंगे। खमीर क्या काम करता है बेटा, फुलाने का काम करता है। किसे काम करता है, फुलाने का, फुलावट, इसे बोलते हैं फुलावट। पहले हमने शीरा से विलयन तनु किया, तनु करने के बाद क्या किया हमने, विलयन, बताओ, पेन को भी पास लेके बैठा करो तो आपको अच्छा समझ में आएगा, आप साथ की शॉप उसको नोट कर लो तो बेटर रहेगा, और यदि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप सभी के पास हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, व्हाट्सएप नंबर सब हैं, या आप यूट्यूब पे चैनल पे मैसेज करके कमेंट्स करके आप हमसे पूछ सकते हैं आपकी समस्या जो भी कुछ है। अब जो है सी पॉइंट जो है, पहले हमने उसमें तनु किया शीरा को, तनु करने के बाद अम्ल मिलाया, फिर सल्फेट वगैरह फॉस्फेट वगैरह का हमने उसमें मिलान किया, अमोनियम सल्फेट या अमोनियम फॉस्फेट। मिलाने के बाद जो यीस्ट का भोजन का कार्य करेंगे, अब हम उस विलयन में क्या मिलाएंगे, खमीर मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे, खमीर मिलाएंगे, सी। फिर जो खत्म हो गया, क्या मिलाते हैं बेटा, खमीर मिलाते हैं। खमीर क्यों मिलाएंगे, ये ध्यान से देखो आप लोग, थोड़ा सा डस्ट आंखों में आ रहा है,
देखो मिलन की क्या कह रहे हैं, समझ दिलाते हैं क्योंकि खमीर में उपस्थित इनवर्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम बेटा? इनवर्टेज एंजाइम, खमीर में उपस्थित इनवर्टेज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलता है। इनवर्टेज एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज व फ्रक्टोज में बदलता है। अब ये ग्लूकोज को शर्करा ग्लूकोज फ्रक्टोज में बदल रहा है, इसका आप क्या कर रहे हैं? देखो भाई शर्करा कौन सा एंजाइम? इनवर्टेज एंजाइम, कौन सा एंजाइम बेटा? इनवर्टेज एंजाइम क्या नाम देगा? C6H12O6 + C6H12O6। देखो बेटा ये किसका है? ग्लूकोज का। एक बात ध्यान रखनी है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज नाम से स्पष्ट हो रहा है, फ्रक्टोज फ्रक्टोज इसमें पीटो ग्रुप होता है बेटा। केमिकल फॉर्मूला सेम है लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है, एक में तो एल्डोल समूह है एक में कीटोन समूह है। ठीक है बेटा, एल्डोल यानी कि एल्डिहाइड समूह। ओके बेटा, अब खमीर मिला लिया, खमीर में जो एंजाइम है उसने शर्करा किसके समय तोड़ दिया? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब खमीर में बेटा एक एंजाइम और होता है, कौन सा एंजाइम होता है? खमीर में जाइमेज एंजाइम और होता है, कौन सा एंजाइम होता है? जाइमेज। तो जाइमेज एंजाइम होता है वो क्या करता है बेटा? जो ये अपनी क्या है फ्रक्टोज है और जो ये क्या है ग्लूकोज, उनको एथेनॉल में परिवर्तित करता है। ये रिएक्शन आप पहले भी पढ़ चुके हैं। खमीर में उपस्थित जाइमेज एंजाइम, जाइमेज एंजाइम है ग्लूकोज व फ्रक्टोज को बेटा। देखो
ये जो हमने खमीर मिलाया था, खमीर में जो जो एंजाइम थे, इन एंजाइमों ने बेटा किण्वन प्रक्रिया की। कौन सी क्रिया की? किण्वन प्रक्रिया। ठीक है बेटा, इस प्रकार किण्वन द्वारा प्राप्त हुए किण्वन द्वारा प्राप्त विलयन, जो विलयन किससे प्राप्त हो रहा है? किण्वन से प्राप्त हो रहा है। मेन 10 से 15% क्या होती है बेटा? एथेनॉल होती है। कि क्या होती है? एथेनॉल होता है। कितना होता है बेटा? 10 से 15%। और जो ये एथेनॉल है, ये क्या कहलाता है? विलयन वॉस कहलाता है। ये विलयन वॉस कहलाता है, धुला हुआ विलयन कहलाता है। इसमें कितनी परसेंट होती है एथेनॉल की? 10 से 15% ही एथेनॉल होता है। और यह विलयन कैसा होता है? विलयन वॉस कहलाता है। अब जो डी पॉइंट पढ़ेंगे वो होगा वॉस का आसवन। तो वॉस का आसवन करा के फिर प्रभाजी आसवन कराएंगे, अर्थात जो आसवन होगा उसमें जो गर्म करेंगे प्रभाजी, जो आसवन होगा, देखो आसवन प्रभाजी आसवन में 10 से 15 केल्विन टेम्परेचर का अंतर होता है, कुछ कम टेम्परेचर कुछ ज्यादा टेम्परेचर। ठीक है बेटा, चलो देखो बेटा क्या बना था? विलयन वाष्प बना था। अब जो विलयन वाष्प बना है, वाष्प का आसवन कराने पर 90% एल्कोहल प्राप्त होती है। अभी तो यहाँ पर कितनी परसेंट प्राप्त होती है एल्कोहल? 10 से 15%। लेकिन यहाँ पर कितनी परसेंट प्राप्त होती है बेटा? 90% एल्कोहल प्राप्त होती है। अब जो ये 90% एल्कोहल है, इसका पुनः हम प्रभाज्य आसवन कराते हैं। जो 90% एल्कोहल है, इसका पुनः प्रभाज्य आसवन कराते हैं, तो प्रभाज्य आसवन कराने से शुद्ध एथेनॉल प्राप्त हो जाए। उन्हें प्रभाजी आसवन क्या लिखा है? उन्हें प्रभाजी आसवन कराने पर 95% एथेनॉल प्राप्त होती है। कितनी परसेंट एथेनॉल प्राप्त होती है? 95.5%। अब जो ये एथेनॉल प्राप्त हुई है, इसे हम कहते हैं परिशोधित स्प्रिट। क्या कहा जाता है? इसे
पची सोचते हैं कहते क्या कहते हैं बेटा परी शोधित स्प्रिट कहते हैं परी शोधित मतलब क्या प्यूरिफाइड क्या कहा जाता है परी शोधित फिल्मों से कितना परसेंट का वो 10 से 15% है तो ये क्या कहलाया है विलियन का वो कहलाया धुला हुआ विलियन फिर क्या किया हमने आसन किया क्या किया बेटा आसन किया आसन से भी कितना परसेंट का आपको 90% एल्कोहल प्राप्त हुआ 90% एल्कोहल क्या कराया हमने उन्हें प्रभाजी आसन विपिन की आसन कराया आसन में प्रभाजी आसन में कैलोरी का अंतर होता है 15 से 15 के लिए होता और कितने परसेंट एथेनॉल प्राप्त हुआ 95.5% एथेनॉल प्राप्त हुआ जो क्या होती है परिशोधित स्प्रिट के नाम से जानी जाती है परिशोधित स्प्रिट बोलें तो यही प्यूरिफाई या रिफाइनिंग बोल सकते हैं दोबारा उसको हमने रिफाइनिंग किया शोधित किया वो क्या हो गई एथेनॉल प्राप्त हो गई। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बेटा हमने एथेनॉल का जो औद्योगिक उत्पादन है उसमें जो हम पढ़ रहे थे एथेनॉल बनाना तो उसमें एथेनॉल को हमने बनाया है पहले सिरे से शीरा क्या होती है आपने पढ़ा शीरा क्या होती है शीरा बाजरा का मत समझना ठीक है जो आजकल तार ध्यान बाजरा की दाने की हो शीरा गन्ना और चुकंदर का जो रस होता है उनमें से हमें कष्ट प्राप्त होते हैं फिर उसको हमने तनु किया फिर अमोनिया लवण मिलाया फिर SO4 मिलाया फिर हमने खमीर मिलाया फिर खमीर में एंजाइम किण्वन क्रिया की किण्वन क्रिया से एंजाइमों ने खमीर को किस में तोड़ दिया उस विलयन को शर्करा को तो फ्रक्टोज और ग्लूकोज में तोड़ दिया और जो ग्लूकोज थी उसको हमने क्या किया उसको एंजाइमों ने क्या कर दिया एथेनॉल में परिवर्तित कर दिया फिर एथेनॉल से 10% से 15% एथेनॉल प्राप्त हुई फिर उसका हमने आसन किया 90% हुई फिर प्रभाजी आसन किया तो हमें कितनी परसेंट प्राप्त होगी 95% एथेनॉल का प्राप्ति हो गई। अब जो हम पढ़ेंगे आगे वो है सेकंड टाइप स्टार्च पदार्थों से एथेनॉल प्राप्त करना किन पदार्थों से बेटा स्टार्च पदार्थों से एथेनॉल प्राप्त करना मैं इसका अरेंज कर रहा हूँ आप स्क्रीन शॉट ले लें रिपीट भी बोल रहा हूँ आपको बार बार आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें आप इसका स्क्रीन शॉट ले लें मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ ओके बेटा अब हम पढ़ेंगे किनसे स्टार्च युक्त पदार्थों से एथेनॉल का निर्माण देखो बेटा जिन पदार्थ में क्या पाई जाती है स्टार्च पाई जाती है उनसे हम किस प्रकार से एल्कोहल का निर्माण करते हैं
देखो बेटा इसके लिए चलन है, आपको पता है स्टार्च किन के लिए पाई जाती है? स्टार्च युक्त पदार्थ कौन कौन से हैं, जैसे गेहूं है, जो है, चावल है, मक्का है, आलू है, ये सभी पदार्थ कैसे हैं? स्टार्च युक्त पदार्थ। कैसे पदार्थ है? स्टार्च युक्त पदार्थ है। अब एथेनॉल बनाने के निम्न चरण हैं, क्या है निम्न चरण? तो पहला कौन सा ये देखिए, जो इसका फर्स्ट जो ए चरण है, जो फर्स्ट स्टेप है, वो क्या है? सैकरीकरण। क्या है? सैकरीकरण। अब आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि सैकरीकरण क्या होता है, आपको क्या जानना बहुत जरूरी है कि सैकरीकरण क्या होता है? देखो बेटा सैकरीकरण क्या होता है, देखो कि जो स्टार्च है, स्टार्च में कौन सी शर्करा होती है? माल्टोज शर्करा जो होती है स्टार्च करेंगे। कैसे? देखो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे मैस। मैस क्या होता है आप ये सोचिएगा, सबसे पहले क्या बनाएंगे? मैस। फिर मैस से क्या बनाएंगे? माल्ट। क्या बनाएंगे? माल्ट। तो फिर माल्ट से क्या बनाएंगे? माल्टोज। देखो बेटा फिर मैस और माल्ट, तो स्टार्च पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े, क्या स्टार्च पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े करके उच्च ताप और दाब पर गर्म करने पर, उच्च ताप और दाब पर गर्म करने पर जो जल के साथ जब लेही बन जाएगा, लेही जानते हो ना, जैसे आटे की लेही होती है उस टाइप से एक लेही बन जाएगी, जिसे हम क्या कहेंगे? मैस कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? मैस कहते हैं। और फिर अब जो माल्ट बनाएंगे, वो माल्ट होती है बेटा अंकुरित अनाज में, जैसे हम बात करें जौ, जौ से माल्ट बनाएंगे, जौ में एक एंजाइम होता है डायस्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है बेटा? डायस्टेज एंजाइम होता है, जो क्या करता है, जो अंकुरित हुए हैं, जो अंकुरित बनने के लिए जो को 288 केल्विन टेम्परेचर पर एक अंधेरे कमरे में फैला देंगे, फैला देंगे, दो तीन दिन बाद देखेंगे कि जो अंकुरित हो गए, अर्थात जो में एक नई पोपल आ गई, जैसे हम देखते हैं नवरात्रा के दिनों में जो अंकुरित होते होते नहीं होते उसी टाइप से, और अंकुरित हो गए, जिसे हम क्या कहेंगे बेटा? माल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? माल्ट कहते हैं। और इस माल्ट को पानी के साथ पीस लेंगे, चटनी बना लेंगे, चटनी बना के छान लेंगे, छानने से माल्ट सत्व बनेगा। क्या बनेगा? माल्ट सत्व, जिसमें डायस्टेज एंजाइम बहुत ज़्यादा होता है, तो डायस्टेज एंजाइम जो मैस और माल्ट सत्व को मिला लेंगे, ताप देंगे, जो एंजाइम है वो स्टार्च को अपघटित करेगा और माल्टोज में बदल देगा। किसे बदल देगा बेटा? माल्टोज में बदल देगा, और माल्टोज में बदलने के बाद जो विलयन बनेगा वो विलयन क्या होगा? वर्त कहलाएगा, वो विलयन वर्त कहलाएगा। ठीक है बेटा, अब हम एक एक चीज को लेकर चल रहे हैं, फिर आगे पढ़ते हुए चलेंगे। ओके बेटा, तो अब सैकरीकरण सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? मैस बनाना। मैस कैसे बनेंगे? देखो मैस बने, स्टार्च के पदार्थ छोटे 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 टुकड़ों में तोड़कर
ताप वह उच्च ताप वह उच्च दाब पर स्टार्च जल के साथ क्या बना लेगा? मेघ बना लेगा। स्टार्च जल के साथ क्या बना लेता है? लेई बना लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? इसे मैस कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बेटा? मैस कहते हैं। ध्यान से पढ़ो, इस चीज को देखो एक बार। स्टार्च छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर वो क्या बना रहा है? मैस बना रहा है। अब क्या करेंगे? जोश से क्या बनाएंगे? माल बनाते हैं। जोश से माल बनाते हैं। जोश से क्या बनाएंगे? माल बनाएंगे। जोश से माल कैसे बनाएंगे? देखो बेटा, अंकुरित होने के लिए अंकुरित करने के लिए कमरे के ताप पर अंधेरे कमरे में फैला देते हैं जिससे दो या तीन दिन में जो अंकुरित हो जाते हैं, दो या तीन दिन जो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। जो क्या हो जाते हैं? अंकुरित हो जाते हैं। अंकुरित जो प्राप्त जो को पीस कर अब देखो बेटा, जो जो अंकुरित हुए हैं उनको हम क्या करेंगे? पानी के साथ पीस कर अंकुरित हो जाते हैं। प्राप्त जो को माल कहते हैं। माल को पानी के साथ पीस कर माल सब माल सब के साथ पीस कर बेटा पानी के साथ पीस कर क्या बनाएंगे? माल को सब जिसमें लाइटे नहीं है जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम पाया जाता है बेटा? डाइजेस्टिव एंजाइम पाया जाता है। अब क्या करेगा? डाइजेस्टिव एंजाइम है ये स्टार्च को माल्टो से प्रयुक्त कर देगा। डाइजेस्टिव एंजाइम है वो क्या करेगा? मैस और माल सब दोनों बन गए, उनको मिला देंगे और मिलाने से एक बिलियन बनेगा जिसे बिलियन वर्क कहते हैं। अगर मैस प्लस माल सब मैस और माल सब दोनों को क्या कर दिया? मिला देंगे। मिला देंगे से टाइम कितना?
323 केल्विन से 523 केल्विन चलता है। तो क्या होगा? बिलियन वोल्ट है। क्या बनेगा बेटा? बिलियन वोल्ट। अब देखो जो डाइजेस्टिव एंजाइम है, यह शर्करा को किसमें बदलेगा? शर्करा को बदलेगा माल्टोज में। ओके बेटा, देखो सीसीस प्लस NH2O। ये कौन क्या है? स्टार्च है। क्या है बेटा? एंड लगा के कितने मोल हो सकते हैं? इसका हम क्या कर रहे हैं? डाइजेस्टेशन एंजाइम कौन सा एंजाइम? डाइजेस्टेशन एंजाइम। डाइजेस्टेशन एंजाइम क्या करेगा? इसको क्या बना देगा? माल्टोज। क्या बना देगा बेटा? माल्टोज। क्या बन गई अब? माल्टोज। माल्टोज किसके परिवर्तित होगी? ग्लूकोज में। माल्टोज किसमें परिवर्तित होगी? ग्लूकोज में। ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया, अब देखो बेटा सी पॉइंट। सी पॉइंट क्या है? बिलियन वर्ल्ड में, बिलियन वर्ल्ड में क्या करते हैं? खमीर मिलाते हैं। डियर स्टूडेंट, तकनीकी समस्या से ये थोड़ा सा डिस्कनेक्टिंग हो गए थे, तो आप यहाँ पे बिलियन वर्ल्ड में खमीर मिलाएंगे। खमीर मिलाने से विलियन का ताप कितना रखेंगे? 3 केल्विन रखेंगे। और जो माल्टेज एंजाइम है वो माल्टोज को किसमें परिवर्तित कर देगा बेटा? ग्लूकोज। किसमें परिवर्तित कर देगा? ग्लूकोज। माल्टेज एंजाइम किसमें परिवर्तित कर देगा? ग्लूकोज में परिवर्तित कर देगा। आप देखो बेटा, तुरंत बैठ के लिख रहा हूँ तो समस्या अंदर नहीं आनी चाहिए, आप तुरंत देख कोशिश करता हूँ, लेकिन बोर्ड का एंड पॉइंट आ गया नीचे, हम तो कोशिश कर रहे हैं आप बराबर दिख रहे। सी 12H2 माल्टोज है, तो माल्टेज एंजाइम कितना? और ये किसमें बन जाएगा? C6H12O6। दो मोल क्या बन जाएगी? ग्लूकोज। क्या बन जाएगी बेटा? आप इसका स्क्रीनशॉट को जल्दी से जल्दी, आप इसका स्क्रीनशॉट को जल्दी से जल्दी। ओके बेटा, अब इसका हमने बढ़ा दिया, ग्लूकोज में परिवर्तित कर दिया। अब ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हो जाएगी? एथेनॉल में। ग्लूकोज किसमें परिवर्तित हो जाएगी बेटा? एथेनॉल में। और फिर एथेनॉल से क्या बनेंगे? एल्कोहल का आसानी से निर्माण कर देंगे। देखो बेटा, ग्लूकोज का किसे परिवर्तित हो जाएगा? ग्लूकोज का एथेनॉल परिवर्तन। देखो बेटा, ग्लूकोज एथेनॉल होगा, वो जाइमेज एंजाइम क्या कर देगा? खमीर मिलाया था हमने, खमीर में जाइमेज एंजाइम होता है, तो क्या कर देगा? जाइमेज
रूल्स नो जाइमेज एंजाइम एथेनॉल में प्रयुक्त कर देगा। अब जो एथेनॉल प्रयुक्त हुआ है ये जो कहलाएगा यही वाष्प विलयन कहलाएगा। वाष्प का कॉफी भपके के साथ हमने आसवन किया तो शुद्ध एथेनॉल होगी। इसको कॉफी का भत्ता देखा होगा हमने आपने कॉफी भत्ते के साथ आश्रित कराने का इसके साथ कॉफी भक्के के साथ क्या कराएं इसका आसन कराएं। कॉफी भक्के के साथ अगर इसका आसन कराएंगे तो क्या बनेगी 94.5% से अधिक नंबर लाभ होगी। देखो कॉफी का भक्का आपने देखा है ना तो कॉफी वाले बनाते रहते हैं तो वहां से बहुत विपुल गति से बहुत ही तीव्र गति से बहुत ही तेज की गैस निकलती है जो कि बहुत हीट होती है उसमें प्राप्त होती है। आप एथेनॉल के गुणधर्म देखो बेटा इधर हम लिख देंगे गुणधर्म इधर लिख देंगे उपयोग। ज्यादा टाइम हो गया वीडियो के उपयोग में क्या है देखो नंबर एक विलायक के रूप में उपयोग होता है इसके रूप में होता है विलायक के रूप में। नंबर दो यौगिकों के संश्लेषण में किसके संश्लेषण में बेटा यौगिकों के यौगिकों के संश्लेषण में। नंबर तीन औषधि निर्माण में नंबर चार दवाइयों में ठीक है बेटा। इस प्रकार से अगर साबुन रंग पोली जितनी भी हैं इत्र हैं उत्ती रोग जो एंटीसेप्टिक होती है इन सब के निर्माण में एथेनॉल का यूज होता है। अब हम इसको और पढ़ेंगे आगे कुछ शब्दावली है। परिशुद्ध अल्कोहल क्या होता है आपको पता है कि 99.5 से 100% तक का जो एथेनॉल होगा वो परिशुद्ध होगा जिसको हम एब्सोल्यूट अल्कोहल बोलते हैं। परिशोधित क्या होता है 95.5% जो अल्कोहल होगा और जिसमें 4.5% क्या होगा H2O होगा वो परिशोधित एल्कोहल होगा ठीक है बेटा। पावर एल्कोहल जिसमें
अपने जो पेट्रोल में बेंजीन तथा इथर के साथ अल्कोहल मिलाते हैं, पेट्रोल में बेंजीन इथर साथ क्या मिलाते हैं, अल्कोहल, तो पावर एथेनॉल होता है जिसका उपयोग वाहनों में किया जाता है। तो हम कुछ शब्दावली पढ़ेंगे बेटा, ठीक है, इसको आप इसकी चोट ले लो, मैं फिर इसको रेज कर रहा हूँ। महत्वपूर्ण शब्दावली, महत्वपूर्ण शब्दावली, तो महत्वपूर्ण शब्दावली में नंबर एक है, नंबर एक क्या है बेटा, नंबर एक है अपने परिशुद्ध एल्कोहल। ओके बेटा, थैंक यू, घर पे रहिएगा, स्वस्थ रहिएगा, अच्छा रहिएगा, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।